दोस्तों बहुत सारी ऑडियंस जो है ऋतिक रोशन सर की मूवी विक्रम वेदा की ओटीटी रिलीज का वेट कर रहे हैं, तो क्योंकि दोस्तों ये मूवी थी भी उतनी ज्यादा जबरदस्त, ऑब्वियसली रीमेक थी लेकिन बहुत सही बनाई थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके ओटीटी रिलीज डेट को लेकर, करंट अपडेट्स को लेकर, क्या कुछ कहना है अभी, तो मूवी कब तक देखने को मिलने वाली है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नो डाउट दोस्तों इस मूवी ने अलग ही क्रेज बना लिया है, थिएटर में भी दोस्तों ये अच्छी परफॉर्म कर गई थी लेकिन मूवी का बजट इतना ज्यादा था जिसकी वजह से ये सुपर हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन 100 करोड़ का मार्क इसने जरूर क्रॉस किया था। बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो हाँ जियो सिनेमा इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म है। फिलहाल दोस्तों जियो सिनेमा वालों का फोकस है टाटा आईपीएल को लेकर और इस टाइम पर वो कोई भी कंटेंट, कोई भी मूवी अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करने वाले, यहां तक कि असुर भी आने वाली है वो भी इनके प्लेटफॉर्म पर इतनी जल्दी रिलीज नहीं होंगे। फिर बात आती है कि दोस्तों विक्रम वेदा की ओटीटी रिलीज डेट क्या होने वाली है। दोस्तों जो जियो सिनेमा वाले हैं उन्होंने दोस्तों अपना सब्सक्रिप्शन प्लान रोल आउट कर दिया है, जहां पर आपको दोस्तों 99 रुपीज पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा सस्ते प्लान इन्होंने रिलीज किए, तो ये अच्छी बात है। फिर बात आती है दोस्तों रिलीज डेट को लेकर, तो करंटली बताया जा रहा है कि पहले शाहिद कपूर की मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है ब्लडी डैडी, उसके बाद ही दोस्तों जो पेंडिंग रिलीज है यानी कि दोस्तों जो जैसी भेड़िया हो गई विक्रम वेदा है वो हमें देखने को मिलेंगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9 जून के बाद विक्रम वेदा यानी कि 16 जून के आसपास विक्रम वेदा मूवी आपको जियो सिनेमा पर ओटीटी पर देखने को मिल सकती है। वैसे आप बताओ जियो सिनेमा को क्या कहना है, पहले ही इतना डिले कर दिया है, सारी चीज़ें कमेंट में बता देना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।